36 के स्कोर पर ऑल आउट हो चुकी टीम इंडिया क्रिकेट के धरती में अपना वजूद खो चुकी थी। टीम इंडिया के 36 के स्कोर पर ऑल आउट होना संपूर्ण विश्व के लिए एक उपहास का विषय बन चुका था। चाहे इंडियन मीडिया की ट्रोलिंग हो या फिर पाकिस्तानी फैंस का दिल दहला देने वाला रिएक्शन, टीम इंडिया के रियल फैंस का दिल दहला रहा था। दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर अपने अलग ही लेवल में चल रहे थे, जो भी आता वही ट्रोल कर जाता। क्रिकेट का सी भी ना जानने वाला इंसान भी विश्व की नंबर वन टीम को क्रिकेट कैसे खेलना है ये बता रहा था। हिंदुस्तान क्रिकेट के धरती में शर्मसार हो रहा था और इस कदर क्रिकेट के धरती में हमारे वतन को शर्मसार होते हुए देखना संपूर्ण विश्व की अभिलाषा थी। 36 ऑल आउट टीम इंडिया के लिए एक कलंक बन चुका था। ऐसे हालात में टीम इंडिया के पास दो ऑप्शन थे। एडिलेड में मिली उस हार का टीम इंडिया या तो बदला ले या फिर उस हार से उबर ना पाए और उसी हार से बिखर जाए। अश्विन ने स्मिथ को आउट करने की प्रतिज्ञा ली और रहाणे ने भी कमर कस ली। बुमराह, जडेजा सबके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एडिलेड में मिली हार का पलटवार। लेकिन ये कहानी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अब टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। समी की कलाई टूट चुकी थी, हिटमैन शर्मा अभी टीम इंडिया के संपर्क से बाहर थे। ऐसे हालात में हिम्मत तो क्या, हौसले भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जिस टीम इंडिया ने 36 में ऑल आउट होने का दर्द झेला था, उस टीम इंडिया के लिए इससे दर्दनाक और क्या हो सकता था। 26 दिसंबर 2020 के लिए कंगारू पूरी तरह तैयार हो चुके थे। सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया सीरीज जीतने की प्रबल दावेदार थी, लेकिन वही टीम इंडिया अब दुनिया के लिए अंडरडॉग बन चुकी थी। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास आत्मविश्वास का समुंदर था, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपने साहस के दम पर खड़ी थी। पिछले 4 सालों के संपूर्ण रिकॉर्ड उस एक हार से ध्वस्त हो चुकी थी। सीरीज से पहले भविष्यवाणी कर रहे क्रिकेट पंडित पहले मैच के बाद अब हार के दावे ठोक रहे थे। जो लोग सीरीज से पहले टीम इंडिया के समर्थन में थे, वही लोग पहले मैच के बाद टीम इंडिया के खिलाफ खड़े थे। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब ये दोनों टीमें एक बार फिर से आमने सामने होने वाली थी। इस मैच पर संपूर्ण विश्व की निगाहें थी, क्योंकि इस मैच से पहले टीम इंडिया के पास कई सारे सवाल थे। कई सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब ना तो विश्व क्रिकेट के पास था और ना ही इंडियन टीम के पास। दुनिया के लिए सबसे पहला सवाल था, इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली के जगह टीम इंडिया में कौन लेगा? क्या विराट के अनुपस्थिति में ये टीम इंडिया पलटवार के लिए तैयार है? क्या ये टीम इंडिया कंगारुओं के घर में कंगारुओं के सामने टिक पाएगी? क्या इस टीम में पलटवार करने का साहस होगा? क्या ये टीम पलटवार के योग्य है? कुछ ऐसे ही हालातों में लिखी जाती है दुनिया के सबसे बड़े पलटवार की पटकथा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री विद अर्जुन के एक स्पेशल एपिसोड, कहानी टीम इंडिया के पलटवार की। मैच का पहला दिन टीम इंडिया कई सारे प्रश्नों के साथ मैदान में उतरती है, क्योंकि उस दिन टीम में ना तो रोहित थे, ना ही विराट थे और ना ही समी होने वाले थे। वो टीम दुनिया की नजरों में पहले से ही ज्यादा लाचार और कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि इन दिग्गजों के अनुपस्थिति में ये टीम आग उगलते हुए कंगारुओं के सामने टिक पाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल था। कुछ ऐसे ही हालातों में कमान दी जाती है टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को। दिग्गजों के अनुपस्थिति में सुभमन गिल और मोहम्मद सिराज का पदार्पण होता है। शाह के जगह पर पंत पर विश्वास दिखाया गया। कंगारुओं ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उन्हें उम्मीद थी कि पहले मैच के तरह इस मैच में भी कोई करिश्मा होगी, लेकिन उस करिश्मा के तलाश में कंगारुओं ने अपनी पहली भूल कर चुकी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारुओं की शुरुआत बेहद खराब रही और महज 38 के स्कोर पर कंगारुओं के 3 बल्लेबाजों ने पवेलियन का रास्ता पकड़ लिया था। अश्विन ने अपने प्रतिज्ञा अनुसार अपनी प्रतिज्ञा निभाई और कंगारुओं के प्रखर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाया। ट्रेविस हेड, मार्नस लेबुसेन ने बिखर रहे कंगारुओं को संभालने का प्रयास किया, लेकिन जसप्रीत के सामने उनका ये प्रयास अधूरा रह गया। पहले मैच के तरह इस मैच में भी कंगारुओं के 6 बल्लेबाज महज 71 रनों पर आउट हो चुके थे और पूरी टीम 195 रनों पर सिमट जाती है। अश्विन और जसप्रीत ने 7 कंगारुओं का शिकार किया। सिराज ने भी अच्छा खेल दिखाया, परंतु असली पलटवार अभी बाकी था, क्योंकि भौकाल मचा रहे कंगारू गेंदबाजों का सामना करना भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। ऐसे हालात में टीम इंडिया एक नए ओपनिंग प्लेयर के साथ मैदान पर उतरती है। पृथ्वी शॉ की जगह सुमन गिल को मौका दिया जाता है, लेकिन कहानी में कुछ भी बदलाव नहीं होता और टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट बिना खाता खोले ही खो दिया। मयंक अग्रवाल मिचेल स्टार का शिकार बन चुके थे। ऐसे हालात में कंगारुओं के हौसले और भी बुलंद थे, क्योंकि टीम इंडिया उनके सोच के अनुसार ही शुरू
शुरुआत कर रही थी, लेकिन दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया ने 36 के स्कोर पर सिर्फ एक विकेट खोया था। मैच का दूसरे दिन के खेल शुरू होने से पहले उम्मीद थी कोई करिश्मे की। सुमन गिल और चेतेश्वर पुजारा टीम के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन 61 के स्कोर पर गिल भी पैट कमिंस का शिकार बन जाते हैं। अब टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर पवेलियन में बैठे थे। टीम इंडिया के स्कोर में महज 3 रनों का इजाफा होता है और टीम इंडिया के दीवार यानी चेतेश्वर पुजारा भी पैट कमिंस के सामने ध्वस्त हो चुके थे। ऐसे हालात में टीम इंडिया के लिए क्रीज पर मौजूद थे हनुमा बिहारी और नए नवेले कप्तान अजिंक्य रहाणे। दोनों ने साथ मिलकर एक अर्धशतकीय साझेदारी निभाई, परंतु बिहारी ज्यादा देर तक कंगारुओं के सामने संघर्ष नहीं कर पाए और नाथन लयन का शिकार बन गए। 116 रनों के स्कोर में टीम इंडिया ने अपने 4 विकेट खो दिए थे। टीम इंडिया की पारी अब लड़खड़ा गई थी। कंगारू गेंदबाजों का आक्रमण एक बार फिर से प्रारंभ हो चुका था। रिद्धिमान साहा के जगह दूसरा मैच खेल रहे ऋषभ पंत से उम्मीदें थी, लेकिन पंत भी 29 रन बनाकर मिचेल स्टार का शिकार हो गए। 173 रनों पर लगभग आधी टीम इंडिया पवेलियन में बैठी थी। कंगारू गेंदबाज अपनी रफ्तार से इंडियन बल्लेबाजों के लिए खौफ बन चुके थे, लेकिन पहले मैच के विलेन कप्तान अजिंक्य रहाणे इस मैच में हीरो बनने वाले थे। दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया का स्कोर 277 रनों पर 5 विकेट था। कप्तान अजिंक्य रहाणे 104 रनों पर नॉट आउट थे और रविंद्र जडेजा भी 40 रन बनाकर खेल रहे थे। अब टीम इंडिया के पास 82 रनों की बढ़त थी और 5 विकेट हाथ पर था। मैच का तीसरा दिन, रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे के बीच 121 रनों की साझेदारी होती है और इस साझेदारी की मदद से टीम इंडिया कंगारुओं के सामने बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रही थी, लेकिन एक गलती और ये सपना ध्वस्त हो चुका था। इस बार स्वयं कप्तान अजिंक्य रहाणे रन आउट हो चुके थे और ये झटका टीम इंडिया को बड़ी जोर से लगने वाला था। ये पल उस सीरीज के लिए सबसे दर्दनाक पल था, लेकिन क्रिकेट के धरती में ये पल आते ही रहते हैं। रविंद्र जडेजा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और 57 के स्कोर पर स्टार का शिकार बन गए। जिस टीम इंडिया के 306 रनों पे 6 विकेट थे, वही टीम इंडिया 326 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रही टीम इंडिया कंगारुओं के सामने 131 रनों की बढ़त ही ले पाती है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क और नाथन लयन 3-3 विकेट लिए। अब बारी थी कंगारू बल्लेबाजों की दूसरी पारी की। कंगारुओं के ओर से एक बार फिर से शुरुआत करने के लिए मैथ्यू वेट और जॉय बर्न्स आते हैं, लेकिन दूसरी पारी में भी कंगारुओं की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। 4 रनों के स्कोर पर पहले कंगारू बल्लेबाज का शिकार होता है। अभी तक खामोश रहे उमेश यादव ने भी अपना जौहर दिखाना प्रारंभ कर दिया था। कंगारू बल्लेबाज इंडियन पेस अटैक के सामने पानी मांग रहे थे। स्मिथ हो या हेड, कोई भी बल्लेबाज इंडियन आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। इंडियन गेंदबाज पूरी तरह कंगारू बल्लेबाजों पर हावी हो चुके थे। तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते महज 133 रनों पर ही कंगारुओं के 6 बल्लेबाज पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। 6 विकेट खो चुके कंगारू बल्लेबाज अब मैच मचाने के लिए खेल रहे थे, लेकिन मैच के चौथे दिन कंगारुओं ने फाइट बैक किया और इंडियन आक्रमण का जवाब अपने आक्रमण से देने वाले थे। कंगारुओं के उपकप्तान पैट कमिंस और कैमरन ग्रीन ने 191 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन कंगारू बल्लेबाज का काल बन चुके जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से टीम इंडिया को वापसी कराते हैं और टीम इंडिया के इस आक्रमण के बाद पूरे कंगारू बल्लेबाज अपनी दूसरी पारी में महज 200 रन ही बना पाते हैं और कंगारुओं की पूरी फौज महज 200 रनों पर ही ऑल आउट हो चुकी थी। टीम इंडिया को महज 70 रनों का लक्ष्य मिला था। ये लक्ष्य पिछले मैच के यादों को ताजा कर रहा था। 4 दिन पहले 36 पर ऑल आउट हो चुकी वो टीम और ऐसे हालात में पूरे विश्व को एक शंका थी। 36 रन 10 विकेट की, पूरी दुनिया एक करिश्मे पर बिलीव कर रही थी और वो करिश्मा था आज फिर से कोई चमत्कार होगा। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से 34 रनों से मैच जीत जाएगा। अपने इस अभिलाषा और अपने स्वप्न को लेकर पूरी दुनिया मैच को देख रही थी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। वो पलटवार की पटकथा लिखी जा चुकी थी। टीम इंडिया को पिछले मैच में कंगारुओं से 8 विकेट की हार मिली थी। 4 दिन बाद उसी टीम ने उन्हीं कंगारुओं को वही हार उतने ही विकेट से थमा दिया था। करोड़ों की संख्या में ट्रोल हो रही वो 11 सदस्यीय टीम दुनिया के हर सवाल का जवाब दे रही थी और अपने पलटवार के उस पटकथा से संपूर्ण विश्व का घमंड तोड़ दिया था। और इस कदर लिख देती है अपने पलटवार की पटकथा, तोड़ देती है उन कंगारुओं की वो घमंड जो उन्हें अपने घर में खेलने का था। जो लोग टीम इंडिया को ट्रोल कर रहे थे वही लोग अब ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन उस हार की
की कहानी अब भी खत्म नहीं होने वाली थी। अभी भी सीरीज के दो मैच बाकी थे। दोनों की कहानी इन दोनों से और भी दर्दनाक और भयानक होने वाली थी, क्योंकि टीम इंडिया की नजर सिर्फ एक मैच जीतने पर नहीं था, अब टीम इंडिया की नजर थी बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर। सीरीज को जीतने के लिए टीम इंडिया को अब इन दोनों मैच को जीतने थे या फिर एक मैच को ड्रॉ करके एक मैच को जीतना था। तो क्या ऐसे हालातों में टीम इंडिया अगले दोनों मैचों को जीत पाती है या फिर एक मैच को ड्रॉ करके अगला मैच जीत जाती है? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल सके। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया मजबूत है या इंडिया? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूं ही आप हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए।